हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है, द एंड हो गया है। हम लोग सेकेंड चैप्टर से पहले एक थ्योरम है जिसको समझेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम नंबर 1.2 है। 1.1 में एक थ्योरम दिया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप लोग वो जानते ही हैं। ये 1.2 है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसका नाम याद कर लीजिएगा, इसका समझिए। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मीन्स फैक्टराइज, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मीन्स प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का अर्थ यहाँ पे सिंगल, अकेला होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, कह रहा है कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, उसके ऑर्डर को क्रम में नहीं रखना है। इसके कहने का अर्थ हो गया कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि उसको अगर ऑर्डर को, ऑर्डर का जो सीक्वेंस होगा, क्रम होगा, उसको हम नज़र नहीं करेंगे, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। तो 4 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 इंटू 2, 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 4 जो है, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किस तरह, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, ठीक है। उसी तरह इसके बाद 6 प्राइम फैक्टराइज आता है प्राइम नंबर के रूप में। तो प्राइम नंबर के रूप में 6 आता है इस कंपोजिट नंबर के रूप में, तो इसको हम प्राइम नंबर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 2। तो कह रहा है कि ये यूनिक है, इसको छोड़कर ये सिंगल है, अब कोई नहीं होगा, ये भी सिंगल है, इसको ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा। ऑर्डर मीन्स क्या होगा, मीन्स यहाँ 2 इंटू 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 2 है, तो ये भी यूनिक है। यूनिक मीन्स सिंगल है, अकेला है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा इसका। उसके बाद 8 आता है, तो 8 को क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। उसके बाद क्या आता है, 9 आता है, तो 9 को 3 इंटू 3, या फिर 3 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आपका जो थ्योरम नंबर 1.2 है वो कह रहा है। जैसे 10 है, तो 10 भी कंपोजिट नंबर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दोनों सेम ही चीज़ हुआ ना, इसका ऑर्डर का जो नंबर का ऑर्डर है आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम चीज़ एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले हमने थ्योरम पढ़ा, क्या, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है। इस पे बेस आपका एक्सरसाइज 1.2 है। चलिए इसमें से कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो एक्सरसाइज हम लोग अब नेक्स्ट पे चलेंगे, 1.2 पे, ठीक है। 1.1 को आप लोग बार बार पढ़िएगा, जो थ्योरी है उसको तो हमेशा याद ही रखना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इसमें जो कह रहा है, एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो अभी आपको थ्योरम बताया गया है उसी के बेस पे इसको बनाना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, मैं 1 से 2 बताऊंगा, बाकी सब आप लोग घर पे बना लीजिएगा, ओके। तो चलिए पेज पे शुरू करते हैं। देन एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ 2 दो बार आया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5 सिंगल है, 7 सिंगल है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये होगा कि सर ये कैसे समझ में आया, उसके लिए आपने जो 9 में 8 में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन करने का, ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 35, 35 किस, हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखिएगा, ओके।
तो 35 आ गया, 5 से कीजिएगा तो 7, फिर 7 आ गया, 7 1 जा 7, जब तक 1 नहीं आए इसको डिवाइड करते हैं चलना है। तो फाइनली 140 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 5 × 7, ये जो 2 है दो बार आया है तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसका आंसर हो गया इतना ही। ओके चलिए क्वेश्चन एक और बता देते हैं 4 नंबर में। ओके तो 4 नंबर में जो है ना 500 क्या दिया गया है, 5005 दिया गया है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले नहीं समझ में आए तो इस तरह निकाल लीजिएगा, 5005 है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1001 हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 143 हो जाएगा, अब डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, जो कि 505 को हम 5 × 7 × 11 × 13 लिख सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेस्ट क्वेश्चन है अभी भी है, इसमें जो रेस्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें बच गया क्या 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है, तो आई होप आप लोगों बहुत पहले से ही मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, फिर भी मैं जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो एकदम बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ बता दूंगा, ताकि जो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना रहे। ओके तो आज एक्सरसाइज 1.2 का जो है हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पढ़े, बाकी इसमें बना लीजिएगा, थ्योरी ज़्यादा याद रखना है, बुक नहीं है तो पीडीएफ आपको मिला ही होगा, उससे आप बना सकते हैं, एक अच्छा सा कॉपी बना लीजिएगा और इस लॉकडाउन में घर से ही पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो जो क्वेश्चन है बाकी उसको हम लोग देखेंगे। ओके तब तक के लिए धन्यवाद।